Life, a grand gambling. Meeting case challenge part 11. मजाक है क्या? पहला मैच, रोल्स की बात करूं तो बहुत सारे रोल आए हुए हैं और मैं यहां पे डोर क्लोज नहीं करता और एक एक करके रोल चेक करता हूं तो टाइम मास्टर आया हुआ है और कॉमन टास्क कार स्वाइप पर आए, यानी कि टाइम मास्टर एडमिन में आया हुआ होगा। ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू तीनों यहां पे कार स्वाइप कर रहे हैं और सियान हनी भी मेरे से अटैच हो चुका है और मैं यहां पे जा रहा हूं ऊपर की तरफ क्योंकि वहां पे ब्लू गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू टाइम मास्टर है, तो मैं ब्लू के पीछे जाता हूं। ग्रीन गया है वेपन्स की साइड, ग्रीन भी हो सकता है और ऑरेंज भी वहां पे था, तीनों में से एक टाइम मास्टर है। मैं यहाँ पे मेडवे के पास ऊपर खड़ा रह जाता हूँ और एक बार रोल ध्यान से चेक करता हूँ कि गेम में कौन कौन से रोल आए हुए हैं और ब्लू मुझे टाइम मास्टर लग रहा था और वो रिएक्टर की साइड गया है, तो हनी भी ने यहाँ पे मेरे को बूस्ट दिया। मैं जा रहा हूँ रिएक्टर में चेक करने के लिए और तभी यहाँ पे देखता हूँ येल्लो ने सिक्योरिटी में एक बंदे को खा लिया, मतलब कि येल्लो ग्लूटोन ही है, तो मैं यहाँ पे वेंट कर लेता हूँ और अपर इंजन की वेंट में आ जाता हूँ। फिर सबसे पहले मैं सिक्योरिटी का डोर क्लोज करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्लूटोन ही है और तभी टाइम मास्टर ने यहाँ पे टाइम रिवाइंड किया। मैं वापस से रिएक्टर में आ जाता हूँ, तभी रेड ने मीटिंग बुला दी। ऑरेंज यहाँ पे मर चुका है, मतलब कि ग्रीन और ब्लू में से एक टाइम मास्टर है। सबसे पहले वोट स्किप करके येलो के साथ में येलो को मैंने दूसरी गेम स्टार्ट करवा दी और कैफेटेरिया का डोर क्लोज करके अब मैं जाने वाला हूँ ब्लू के पीछे क्योंकि मुझे ब्लू ही टाइम मास्टर लग रहा है। ग्रीन भी हो सकता है लेकिन ब्लू पे मेरा डाउट हाई था, तो अब मैं लाइट ऑफ करके ब्लू जहाँ जहाँ जाएगा मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा। ब्लू ने यहाँ पे फैन वाला टास्क किया है, अब नीचे स्टोरेज में वो टास्क क्लियर करके अगर टाइम रिवाइंड होता है तो ब्लू ही टाइम मास्टर होगा। हनी भी मेरे को बूस्ट दे रही है लेकिन बूस्ट का मेरे को कुछ काम ही नहीं है क्योंकि मैं तो किल नहीं करने वाला और तभी लाइट ऑन हो जाती है। ब्लू ने वहाँ पे स्टोरेज क्लियर किया होगा, तभी टाइम रिवाइंड होता है, मतलब कि ब्लू ही टाइम मास्टर है। तो टाइम आ चुका है टाइम मास्टर को अपना टाइम दिखाने का। ऐसा मत करो मेरी जान। टाइम मास्टर क्या हुआ पता नहीं भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो टाइम आ चुका है ब्लू को सब समझाने का। लोल मैं गैस ही नहीं ले पाया और रिएक्टर का सैबोटाज यहाँ पे मैंने दे दिया। अब सब लोग रिएक्टर फिक्स करने जाएंगे लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला क्योंकि गेम में सैरिप भी आया हुआ है और अभी सैरिप पक्का ट्राई लेगा किसी पे, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। मैं यहाँ पे नेविगेशन में वेंट करता हूँ और एडमिन से यहाँ पे कैफेटेरिया की वेंट से वापस से एडमिन में आके यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तभी यहाँ पे ग्रीन की डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा। टाइम आ चुका है टाइम मास्टर को सही टाइम पे गैस लेने का। ताले धूप। सही टाइम पे टाइम मास्टर को लॉबी में पहुंचा दिया और आपने देखा होगा कि मैंने रेड को लॉर्ड मार करके रखा है क्योंकि रेड के पास रिमोट बटन जिमी के, उसने दो बार मीटिंग बुलाई है, मतलब कि वो लॉर्ड ही हो सकता है। और देखो यहाँ पे वो सबके पास जाके खड़ा है, मतलब कि वो नाइट बनाना चाहता है और वैसे भी रेड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेम में क्या हो रहा है, तो ये मीटिंग में मैं अच्छे से रेड को समझा दूंगा। मैं यहाँ पे लाइट फिक्स करने के लिए जा रहा हूँ लेकिन वेट, मैं तो इंपोस्टर हूँ, मैं क्यों लाइट फिक्स करूँ। और तभी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है और लोल सामने से ही बुलावा गया। दूसरी गेम और ट्रोल्स देखने से पहले यहाँ पे डोर क्लोज करने वाला था लेकिन मेरे पार्टनर ने यहाँ पे डोर क्लोज कर दिया और ट्रोल्स यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो टाइम मास्टर वापस से आया हुआ है, तो अब वापस से टाइम मास्टर को अपना टाइम लो कॉमन टास्क अपना कार स्वाइप वाला है, मतलब कि टाइम मास्टर एडमिन में जाएगा। तो लाइट ऑफ कर दी है मेरे पार्टनर ने लेकिन मैं तो टाइम मास्टर को ऑफ करने वाला हूँ और गार्नेटेड और ब्राउन दोनों यहाँ पे खड़े हैं। ब्राउन मेरे पास आके खड़ा रह जाता है और तभी मेरा पार्टनर किल करके आया है, ब्राउन को शायद पता चल चुका होगा और तभी व्हाइट की डेड बॉडी, वेट व्हाइट तो मेरा पार्टनर था ना, मतलब कि ब्राउन सेफ है। मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, मेरे पास एक्स्ट्रा चांस का, ठीक है। नूब बड़ा पर्पल नूब लॉबी आया सब लोग बेटर किल बोल रहे थे, अगर मैंने भी बेटर किल बोला तो गार्नेट को पता चल जाएगा कि मैं इंपोस्टर हूं, इसलिए मैंने बोला कि ये बेटर किल है, ब्राउन ने मेरे साथ एडमिन में कार स्वाइप किया है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर ब्राउन इंपोस्टर ना, बड़ा हरामी हो बेटा। ब्राउन को निकालने में मेरा कोई हाथ नहीं था क्योंकि ये लोग वैसे भी ब्राउन को बेटर किल समझ के निकाल रहे वाले थे, इससे अच्छा मैंने ब्राउन को गैस लेके ही बाहर फेंक दिया। और मैं यहाँ पे अब गार्नेटर पे ऑब्जर्व करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो टाइम मास्टर लग रहा है। मैंने लाइटें गायब कर दी है और गार्नेटर वेपन्स की साइड गया है, तो मैं उसी साइड जा रहा हूँ और देखूंगा अगर टाइम रिवाइंड होता है तो गार्नेटर पक्का टाइम मास्टर है।
क्योंकि कार्डेटेड ने ही टास्क किया है, वो टास्क बार देखो कि और अभी टाइम मास्टर ने टाइम इवेंट किया है, मतलब कि कार्डेटेड ही टाइम मास्टर है। और पिंक, पर्पल और सियान तीनों की तीनों यहीं पे है कैफेटेरिया वेपन्स में घूम रहे हैं, और पर्पल यहाँ पे कैफेटेरिया में घूम रहा है। मैं एक बार देखता हूँ तभी वापस से टाइम इवेंट होता है, मतलब कि कार्डेटेड पक्का टाइम मास्टर है, क्योंकि कार्डेटेड ने मीटिंग में बोला था उसके पास वेपन्स है और वेपन्स करके उसने वापस से टाइम चार्ज कर लिया होगा। और पर्पल यहाँ पे जंपीज ऑन किया, मतलब कि जंपीज वाला पर्पल का रोल होगा और वेट पर्पल मर गया। तो सबसे पहले मैं इस रेड को हनी भी मार्क कर लेता हूँ क्योंकि इसने रोल ड्रॉप किया था, और मैं माइक लेके बोलता हूँ कि भाई पिंक को कर दो। पिंक ने मारा होगा और लास्ट टाइम पिंक ब्राउन को निकाल रहा था, तो पिंक ही पोस्ट होगा, पिंक ने किल किया है। सुनो सुनो, पिंक को मत करो ठीक है, ऑरेंज को वोट करो, ऑरेंज वोट करो, पिंक मेरे साथ था, नूब ऑरेंज पकड़ा गया तो तूने ब्राउन को गेस कर लिया और पकड़ा गया ठीक है, अभी ऑरेंज को वोट कर दो साथ साथ ठीक है, पिंक से था, पिंक मेरे साथ है ठीक है, पिंक मेरे साथ था, इसको वोट कर दो ऑरेंज को, ऑरेंज वायरस ले लेना। भाई मैंने गार्डेड को स्कैन करा था ठीक है, और भाई वो सेफ बंदा है गार्डेड ठीक है। मैं यहाँ पे रेड को बोल देता हूँ क्योंकि रेड ने हनी भी रोल ड्रॉप ही नहीं किया था, और मैं हनी भी अपना रोल ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? साले मजाक बना के रखते हो। हनी भी कुछ जा रहा है, डेढ़ साना बन रहा था, वो पर्पल के साथ अटैच था, और पर्पल सेरिफ था जो सियान पे ट्राई लेके मर गया होगा, और वो सीटा मेरे को निकालने की बात कर रहा था। तो फिर क्या, मैंने तो मीटिंग में निकाल दिया भाई। अब ये पिंक सीयर है, उसने तो अपना रोल भी ड्रॉप कर दिया है, और मैं यहाँ पे O2 का सेबोटास दे देता हूँ, और पिंक मेरे को स्कैन करने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं अभी उसके हाथ नहीं आने वाला। ये पिंग नूबड़ा O2 भी नहीं फिक्स कर रहा है, और यहाँ पे तो भाई अभी एडमिन में ये लोग तो फिक्स करके निकल रहे हैं, मतलब कि 3 सेकंड में अभी O2 फटने वाला है, तो मैं यहीं पे खड़ा रह जाता हूँ। ये ले भाई स्कैन कर ले पिंग अब, और तभी O2 फट जाता है। चीन टपाक डम डम। आज की तीसरी गेम, और रोल्स चेक करने से पहले मैं कैफे का डोर क्लोज करता हूँ, और फिर वहाँ से वेपन्स की साइड निकल पाता हूँ क्योंकि गेम में जोकर आया हुआ है, मैंने देखा है। एक बार मैं वापस से सब रोल चेक करता हूँ, तो स्पेस क्रू में बड़े बेकार रोल आए हुए हैं, और जोकर साइड से वेंट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लाइट ऑफ करके यहीं पे थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला हूँ। और तभी देखो वाइट ने वेंट कर लिया, मतलब कि वाइट जोकर है। ये गेम का पहला शिकार मुझे मिल चुका है, और वो भी जोकर। तभी मेरा पार्टनर किल करता है, वो वेट पर्पल की डेड बॉडी रिपोर्ट जाती है। मेरा पार्टनर पकड़ा गया क्योंकि उसने हनीबी के होस्ट को मार दिया, और लोल व्हाइट चेक ने उसको गेस भी ले लिया। मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? मीटिंग में अगर आपने नोटिस किया होगा तो व्हाइट मरा था, मतलब कि व्हाइट को प्लम्बर ने मारा होगा वेंट में, और कैफेटेरिया की वेंट यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, मतलब कि एडमिन की वेंट में उसे फोड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे अब एडमिन की वेंट चेक करने जा रहा हूँ, और मैंने देखा था सिक्योरिटी की साइड ऑरेंज जा रहा है, और जैसे मैं एडमिन में आता हूँ तो एडमिन की वेंट ब्लॉक है, और अभी रेड ने मीटिंग बुला ली, मतलब कि रेड व्हाइट चेक है। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? रेड को मैंने इसलिए गेस लिया क्योंकि उसने मेरे पार्टनर को गेस लिया था, और मैंने उसका बदला ले लिया है, और मैं यहाँ पर थम्स अप दिखा रहा हूँ ताकि इन लोगों को लगे कि मैं सेफ हूँ, और मैं इन लोगों के साथ ही अब घूमने वाला हूँ ताकि इनमें से किसी का रोल मुझे पता चले तो फिर मैं मीटिंग बुला के सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को थम्स अप दिखा के जा रहे हैं इलेक्ट्रिक में। और तभी यहाँ पे मैं O2 का सेबोटास देता हूँ, और तभी सियान ने ब्राउन पे ट्राई लिया है या फिर मजीसियन मरा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया था, मैं सेबोटास पे ध्यान दे रहा था, और ब्राउन बोलता है कि वो सेरिफ है, और तभी येल्लो इस गेम का दूसरा वाइट जैक था, और मैं यहाँ पे ब्राउन को सेरिफ गेस लेने जा ही रहा था, तभी यहाँ पे ब्राउन वोट आउट हो जाता है। लोल ब्राउन के साथ हनी भी अटैच थी, और वो डी अटैच हो गया, और उसको पता चल चुका है कि मैं इम्पोस्टर हूँ, इसलिए मेरे पास वो चिपकने के लिए आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे O2 का सेबोटास दे देता हूँ, और ब्लू पहले मेरे पार्टनर को निकलता है, और फिर आके मेरे से अटैच होकर गेम जीतता है। हलवाई क्या? आज की चौथी गेम, और रोल चेक करने से पहले एक बार कैफेटेरिया का डोर क्लोज करता हूँ, और फिर अच्छे से यहाँ पे गेम के रोल चेक करता हूँ। और क्या आपने देखा गेम में टाइम मास्टर आया हुआ है? शर्म करो, भगवान से डरो। और लोग कॉमन टास्क कार स्वाइप वाला है, समझ रहे हो? तो अब मैं जा रहा हूँ एडमिन में टाइम मास्टर को ढूंढने के लिए कि कौन टाइम मास्टर है, और मैं अभी यहाँ पे लाइट ऑफ का सेबोटास देता हूँ, और ब्राउन पिंक और पर्पल तीनों यहाँ पे खड़े हैं, और पिंक मेरे साथ ही एडमिन में 1 सेकंड पहले एंटर हुआ है, और सबसे पहले ब्राउन और पर्पल थे, और अभी यहाँ पे टाइम रिवाइंड होता है, मतलब कि
ब्राउन टाइम मास्टर है, पर्पल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ब्राउन ही है क्योंकि ब्राउन ही सबसे पहला आया था। और मैं पर्पल के पीछे जा रहा हूँ कि पर्पल का क्या रोल होगा, और वो लाइट फिक्स करने जा रहा है, और लाइट फिक्स करने के लिए टाइम मास्टर कभी नहीं जाता, और तभी वापस से टाइम इवेंट होता है, मतलब कि कन्फर्म हो चुका है कि ब्राउन ही अपना टाइम मास्टर है। और व्हाइट का यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया हुआ है, इसलिए व्हाइट यहाँ पर गेम छोड़ के चला गया है, और मेरे पार्टनर यहाँ पर येल्लो को मार दिया है। और तभी सियान ने मीटिंग बुला ली, भैया सियान और ब्राउन मेरे को तुम इससे डरा के हो, ब्राउन सच ना भाई, ब्राउन को निकाल देते चलो, सियान भी कह रहे हैं। ग्रीन और सियान की इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। स्वैपर तो मेरे लिए काम ही आसान कर रहा है, शायद से स्वैपर मेरी टीम में आना चाहता है। औकात मेरे, गेम वापस से स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे डोर क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे गेम में प्रो स्वैपर को ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेपन्स की साइड आ जाता हूँ, और तभी पर्पल और ऑरेंज दोनों आते हैं, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि पर्पल ने वहाँ पे कार स्वाइप किया था, और गेम में सैरिफ है तो पर्पल सैरिफ हो सकता है क्योंकि वो लाइट फिक्स करने भी गया था। और तभी मेरे पार्टनर ने ओटू का सेबोटाज दिया, और मैं देखता हूँ एडमिन में यहाँ पे कैम्स लगा हुआ है, और लास्ट टाइम एडमिन में पिंक ही था, मतलब कि पिंक अपनी सिक्योरिटी थी, और मुझे यहाँ पे ओटू फिक्स करना पड़ा क्योंकि ये सियान आ चुका था, और ऊपर से गेम में हिप्नो भी है, इसलिए मुझे अभी मिनियन नहीं बना। और अभी पता नहीं क्या हुआ, सियान को राइट ने मारा क्या, लेकिन वहाँ पे सियान की डेड बॉडी चली गई, मतलब कि सियान मजिशियन है। और मैं यहाँ पे व्हाइट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि व्हाइट का रोल क्या होगा, वो अभी कार स्वाइप करने आया है, और तभी व्हाइट वहाँ से चला जाता है, और तभी मुझे याद आता है कि व्हाइट तो वही है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए गया था और गेम में वापस आ चुका है। और देखो यहाँ पे सियान घूमे जा रहा है, मतलब कि सियान मजिशियन ही है, उसने बॉडी ड्रॉप की थी। और मैं यहाँ पे मेडबे में आ जाता हूँ अपना मेडबे स्कैन करने के लिए, क्या मतलब कि रोल स्कैन करने के लिए आया हूँ। और तभी मेरे पार्टनर ने लाइटें गायब कर दी है, मैं यहाँ पे रोल चेक कर रहा था भाई, स्पेस क्रू रोल भी कोई लेके आया हुआ है, और वापस एक बार ध्यान से रोल चेक करता हूँ, तभी लाइट ऑन हो जाती है। टाइम मास्टर और सिक्योरिटी इस गेम से निकल चुके हैं, और तभी यहाँ पे सियान मेरे सामने प्रकट होता है। इच्छा तो मेरी यही थी कि अभी मीटिंग बुला के सियान को केस मार के उतार दूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कैफेटेरिया में जाके मीटिंग बुलाने वाला हूँ, और माइक में बोलता हूँ कि भाई मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे लगा कि कोई मर गया होगा। कोई नहीं मरा, क्या ब्लैक जैक ओनली मीटिंग के चैलेंज कर रहा है, हो सकता है, बढ़िया है हमारे लिए, तो हमें जीतना होगा गाइस, चलो ढूंढते हैं ब्लैक जैक को, सिक्योरिटी में जो भी था वही है ब्लैक जैक, पर्पल तो ब्लैक जैक है ना, पर्पल को निकाल दो। टाइम आ चुका है कि सियान को सरप्राइज देने का। पर्पल को निकालते ही यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है, और वेट ये ग्रीन सर्वाइवल था, सबका काट के रख दिया। क्या बोलते हैं, और एक बार हो जाए क्या? तुम्हें शर्म है कुछ? लाइफ अ ग्रैंड गैम्बलिंग। गेम में जब भी ब्लैक चेक आता है तो ब्लैक चेक की ये वॉइस हमेशा मेरे कान में गूंजती रहती है। और मेरे पार्टनर ने यहाँ पे ऑटो का सैबोटेज दिया, और मैं देखता हूँ कि कॉमन टास्क कार स्वाइपल है, और गेम में टाइम मास्टर भी आया हुआ है। सच बताऊँ तो भाई टाइम मास्टर के लिए बहुत बुरा लगता है भाई, जब भी गेम में मैं बीजे बन के आता हूँ और टाइम मास्टर आता है तो भाई टाइम मास्टर को मैं हमेशा गेस लेता हूँ। और मैं देखता हूँ ब्राउन वहाँ पे कार स्वाइप कर रहा है, ऑरेंज और येलो स्टोरेज की तरफ गए हैं, और पिंक यहाँ पे जंपी लगा के गया है गेम में, गाउल तो आया नहीं है, डॉक्टर होगा मे बी। और मैं यहाँ पे ऑटो की साइड आ जाता हूँ, मैं चेक करने वाला था कि यहाँ पे कौन आया था ऑटो फिक्स करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी बंदे यहाँ से चले गए थे, तो मैं यहाँ पे वेंट कर लेता हूँ, और वेंट करता हूँ तभी यहाँ पे सियान की डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, मेरे पार्टनर को मार के रिपोर्ट करता है, मतलब कि गोल्डन शरीफ है। और लोल की बात तो ये है, ये एक ऑरेंज भी मर गया जो येल्लो के साथ गया था। गोल्डन गोल्डन गोल्डन, क्यों ना हमें खेल खेले। भाई मेरे पार्टनर तो अलग ही स्वैग में आते हैं, कुछ तो स्टार्टिंग में ही पकड़े जाते हैं, कुछ तो भाई सैरिफ के हाथों पेले जाते हैं, या तो फिर भाई एक किल करके पकड़े जाते हैं। वैसे भी सुपर सेस वाले मेरे से चीटिंग ही कर रहे हैं, जो सबसे नूबेस्ट नूबेस्ट गेम में लोग होते हैं उसको ही मेरा पार्टनर बना के बेच देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैक जैक बना हूँ, और मेरा पार्टनर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लाइट ऑफ करके यहाँ पे ब्राउन के साथ घूम रहा था क्योंकि ब्राउन ने लास्ट टाइम कार स्वाइप किया था, तो ब्राउन में भी टाइम मास्टर होगा, अगर टाइम इवेंट होता है तो ब्राउन ही अपना टाइम मास्टर है। तो मैं मेडबे में आ जाता हूँ, तभी लाइट ऑन हो जाती है और पर्पल ने मीटिंग बुला दी। पागल लोग, रेड रेड को निकालो, रेड ने मारा, रेड ये रेड ब्लैक जैक है, ये जो ये है ना क्या बोलते हैं गोल्डन, वो मेरे साथ था, मैं रोल नहीं बोल रहा था उसका, लेकिन वो रोल सही है, वो शरीफ ही था, वो मेरे साथ बैठा था, उसको मार दिया रेड ने, रेड को निकालो। अच्छे पार्टनर की कमी थी, ऊपर से रैंक मैच में टीम अप वाले भी आ गए। I don't know what to do, मेरी हिम्मत ही खराब हो गया गाइस, बॉट हो गया, मीटिंग गेस चैलेंज बॉट कर लिया। अब टाइम आ चुका है इस गेम को खत्म करने का।
हरामी हो बेटा। आज के बाद किसी ने मीटिंग के चैलेंज बोला सीधी बात तो उन सबको मैं